नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सेल्फ लाइफ पर। इंडियन आइडल सीजन 12 का आगाज हो चुका है और शो की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं इस सीजन के कंटेस्टेंट्स। अब इंडियन आइडल 12 में आए हैं काफ़ी सुरीले कंटेस्टेंट और इनमें से एक है सिंगर जेलिकाई, जो अपनी अनोखी गायकी के साथ काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। सिंगर जेली तामिन कई को इससे पहले आपने देखा होगा बतौर कंटेस्टेंट इंडियन आइडल सीजन 9 में और वो अरुणाचल आइडल में जज भी रह चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि जेली कई मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ में काफ़ी अच्छा गा लेते हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले सिंगर जेली कई ने इससे पहले मेल फीमेल वॉइस में इंडियन आइडल 9 में जज अनु मलिक, फराह खान और सोनू निगम के सामने परफॉर्म किया था। दिल कहता है कि आप बहुत अच्छा गाओगे। एक्चुअली मेरी खासियत आई कैन सिंग बोथ मेल एंड फीमेल। मनवा लागे लागे रे सावरे, साफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का। अब जेली लौट आए हैं इंडियन आइडल 12 में एक बार फिर से अपनी गायकी का कमाल दिखाने जज हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर और विशाल दिलानी के सामने। ऑडिशन के दौरान जेली का परफॉर्मेंस देख तीनों जजेस हुए काफ़ी इम्प्रेस, क्योंकि जेली मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ में काफ़ी बेहतरीन गाते हैं। मेरा भेजा फट गया। जब आपने स्विच किया टू द फीमेल वॉइस, आई वाज लाइक क्या हो रहा है। जेली का इंडियन आइडल के मंच पर लौट आने की वजह सिर्फ यही है कि वो बॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर काम करना चाहते हैं और इंडियन आइडल का मंच ही उन्हें ये दे सकता है। तो अपने अधूरे अरमानों को पूरा करने और बॉलीवुड में काम करने की चाह से जेली कई फिर से लौट आए हैं इंडियन आइडल के महामंच पर। गाने के साथ साथ जेली कई की अलग पर्सनालिटी और कूल अंदाज लोगों में काफ़ी पसंद आ रहा है। आप जेली तामिन कई की सिंगिंग और उनके टैलेंट को कितना पसंद करते हैं अपनी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। देखते रहे इंडियन आइडल का नया सीज़न हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पर। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंडियन आइडल से जुड़ी मज़ेदार खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सेलेब लाइफ़।